हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारा बेबी टर्बन कैप। और देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैंने यहाँ पे डॉल को पहनाया है और ये बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो कैप है, ये 0 मंथ से 6 मंथ के बच्चों के लिए आएगा। इस कैप को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 76 फंदे लिए हैं। अब हमें देखिए इसे सीधा सीधा बुनना है। तो ये हमारी पहली सिलाई है, इसे हम पूरा सीधा बुन लें। इस तरह से ये सिलाई आप कंप्लीट कर ले सीधा बुनकर। ये पहली सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए दूसरी सिलाई है, इधर से भी हमें इसे पूरा सीधा सीधा ही बुनना है। तो ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद उनको पीछे करके ये जो सारे फंदे हैं इसे हम सीधा बुन लें। तो ऐसे ही देखिए, आपको यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बनानी हैं सीधे सीधे की। दोनों साइड से हम सीधा ही बुनेंगे। तो ये मैं आपको 6 सिलाइयाँ बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए, ये 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली है। अब ये देखिए 7वीं सिलाई है, इसे भी हमें सीधा ही बुनना है। तो पहला फंदा स्लिप करके हम ये सारे फंदे सीधे बुन लें। ये 7वीं सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 8वीं सिलाई है, और इधर देखिए हमें उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा स्लिप करके बाकी फंदे हम उल्टा बुन लें। ये 8वीं सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए 9वीं सिलाई है राइट साइड से, और इधर देखिए हमें इसे सीधा बुनना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 6 सिलाइयाँ सीधे उल्टे की भी बनानी है। जैसे 2 हमने बना ली, और 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे। राइट साइड में देखिए हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड में उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही मैं 4 सिलाइयाँ और आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक 6 सिलाई और यहाँ से यहाँ तक 6 सिलाई। टोटल ये 12 सिलाई हमारी बन गई है। अब यही 12 सिलाइयाँ देखिए हमें ऊपर भी बनानी है। ये हम 6 सिलाई पहले यहाँ पे बनाएंगे सीधे सीधे की, फिर 6 सिलाई उसके ऊपर बनाएंगे सीधे और उल्टे की। तो ऐसे ही देखिए हमें बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो ये जो 12 सिलाइयाँ हैं, ये हमें 2 बार और बनानी है। तो ये मैं आपको बना करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार ये मैंने सीधे सीधे करके 6 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। यहाँ ये पहला फंदा तो स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके यहाँ पे 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे हम। फिर उसके बाद देखिए 4 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर देखिए ये 2 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे सीधे। फिर 2 का 1।
फिर चार फंदे सीधे, फिर दो का एक, तो ऐसे ही करते हुए देखिए हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लें। हर चार फंदों पे हमें एक बार फंदा घटाना है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रॉन्ग साइड पे आ गए हम, और इधर से हमें देखिए इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनना है, तो ये आप पूरा उल्टा बुन लें। ये सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए वापस से हम राइट साइड में आ गए, और इधर देखिए हमें वैसे ही रिपीट करना है, लेकिन चार फंदे की जगह हम तीन फंदे बुनेंगे, उसके बाद दो का एक करेंगे। तो पहला फंदा तो हम स्लिप कर दें क्योंकि हमारा एज स्टिच है। उसके बाद देखिए ये तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, यानी टोटल चार फंदे किनारे। फिर हम दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे, फिर दो का एक, तो ऐसे ही करते हुए देखिए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। हर तीन फंदे के बाद हमें एक फंदा घटाना है, और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो उधर से हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ये मैं आपको बना करके फिर दिखाती हूँ। ये दो सिलाइयाँ देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब वापस से देखिए हम राइट साइड में आ गए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हर दो फंदे के बाद हमें दो का एक करना है। तो पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो का एक करेंगे, तो ऐसे ही करते हुए देखिए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। और रॉन्ग साइड में भी हम पूरा उल्टा बुन लें। तो ये दो सिलाइयां आप इस तरह से बना लें। ये दो सिलाइयां देखिए मैंने बना ली है। वापस से राइट साइड में आ गए हम। अब देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो का एक, एक फंदा सीधा, फिर दो का एक, तो ऐसे करते हुए देखिए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और फिर रॉन्ग साइड में जब आएंगे तो उधर से पूरा उल्टा बुनना है। तो ये दो सिलाइयाँ आप इसी तरह से बना लें। ये दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है, और फिर से राइट साइड में आ गए हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद दो का एक करके सारे फंदे बुनते जाएंगे। तो सभी फंदों को देखिए दो का एक करते हुए बुनना है। ये ऐसे, तो ये हम सारे फंदे दो का एक करते हुए बुन लें, और फिर रॉन्ग साइड में पूरा उल्टा बना लें। ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड में फिर से आ गए। अब फिर से देखिए हमें वही करना है, दो का एक करते हुए इसे हम बुनेंगे। तो जितने भी फंदे हैं सबको देखिए दो का एक करते हुए यहाँ पे बनाना है हमें। अब इधर से देखिए इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करके ये बाकी फंदे हम उल्टा बुन लें।
अब देखिए हम थोड़ा सा लंबा ऊन कट कर लें। अब देखिए सुई के हेल्प से हम इन फंदों को इसी ऊन पर लेंगे। इसे इस तरह से टाइट कर लें। एक बार चाहें तो आप इसमें से और इस ऊन को डाल सकते हैं। ताकि ये अच्छे से देखिए यहाँ पे टाइट हो जाए। यहाँ पे ऐसे नॉट लगा दें और नॉट लगाने के बाद ऊन को कट कर लें। ऊन कट करने के बाद देखिए हमें इसे देखिए राइट साइड से सिलना है। ये ऐसे करके हम इसे सिलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम। ये जो यहाँ पे ये चोटी जैसा दिख रहा है इसमें से हम पकड़ कर सिलेंगे दोनों साइड से ऐसे। ताकि ये सिलाई पता ना चले और फिनिशिंग ऐसे बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे करके सिल लें इसे। इसी तरह से करके देखिए इसे हमें यहाँ से यहीं तक सिलना है। पहले ये जो तीसरी वाली लाइन है यहाँ तक सिल लें हम। तो ये देखिए यहाँ तक सिल लिया है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इसे हम इस तरह से बनाएंगे। ऐसे हम इसे टाइट करके ऐसे रैप कर दें उनको ये इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पे लपेट लिया है। अब देखिए जैसे हमने नीचे सिला था वैसे ही हम यहाँ ऊपर सिलेंगे। तो ऐसे ही आप पूरा यहाँ से ये लास्ट तक सिल लें। ये देखिए ये इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है ऊपर। और अभी हमारा कैप बनकर देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए ये बहुत ही परफेक्ट बना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो कैप है ये मैंने 0 मंथ से 6 मंथ के बच्चे के लिए बनाया है। और आप चाहें तो ऐसे बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए बनाने के लिए देखिए आपको सिंपली इसमें फंदे बस ज़्यादा करने हैं और ऐसे ही बुनते जाना है। तो ज़्यादा फंदे करके इसे आप थोड़ा सा और ज़्यादा बुन लें। यानी कि ये 2 ये 12 जो सिलाइयाँ हैं ये और बुन लें और ये फिर बड़े बच्चों के लिए बन जाएगा। तो ये देखिए कितना परफेक्ट है ये और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ ये बना है कैप। तो ऐसे ही आप भी अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।